यार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से सदैव भरी रहे। देखिए, भोजन इंसान के जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता है। हम सभी भोजन करते हैं, विभिन्न पदार्थों को चाव के साथ खाते हैं, लेकिन कितनी बार हम विरुद्ध आहारों को एक साथ खाते हैं और बहुत सारी परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना शुरू हो जाता है जाने अनजाने। कितनी बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि किस आहार को किस वस्तु के साथ नहीं खाना चाहिए। हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत विस्तृत रूप से वर्णन है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के साथ क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनेंगे, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ सकें। और यदि इस तरह का वो गलत आहार खा रहे हैं, विरुद्ध आहार खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए, यदि आप किसी भी प्रकार का मांस का सेवन करते हैं, अर्थात मीट खाते हैं, तो उसके बाद कभी भी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। या आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी मीट के खाने के बाद या मीट के साथ दूध आपको नहीं लेना है। इसके अलावा यदि आप केला लेते हैं या गर्म पानी लेते हैं, कटहल ले रहे हैं, तो उसके साथ दही नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा गरम पानी में तथा मछली के साथ, मूली के साथ शहद का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा यदि आप खीर खा रहे हैं और खीर के साथ आप शराब का सेवन कर रहे हैं, खीर के साथ आप मछली का सेवन कर रहे हैं या छाछ के साथ केले का सेवन कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल विरुद्ध आहार हो जाता है और आपके शरीर के अनेक प्रक्रियाओं को बाधित करने का यह काम करता है। इसके अलावा कभी भी घी और शहद बराबर मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जहर का काम करने लगता है। इसके अलावा दो चिकने पदार्थ बराबर मात्रा में मिलाकर नहीं लेने चाहिए। और इससे भी बड़ी बात, कहते हैं कि दो अलग अलग चिकनाई वाले पदार्थों को एक साथ मिलाकर कभी नहीं खाना चाहिए। जितनी कभी कभी ऐसा भी देखा है ना कि लोग डालडा घी और देसी घी मिला लेते हैं, या सरसों का तेल और रिफाइंड ऑयल मिला ले, तो बिल्कुल जहर बन जाता है ये खाना। तो कभी भी भूल कर दो अलग अलग चिकनाई वाले पदार्थों को भी मिलाकर नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा दूध के साथ कभी भी नींबू या कोई भी खट्टा पदार्थ या फल, साथ ही साथ ठंडे पेय के साथ साथ चाय कॉफी भी नहीं लेनी चाहिए। अर्थात यदि आप कोई ठंडा पेय पदार्थ पीते हैं, तो उसके बाद तुरंत चाय कॉफी ना ले, और दूध के साथ कभी भी नींबू या कोई खट्टा फल या पदार्थ ना ले। खरबूजा व मूली के साथ शहद और दही के साथ खरबूजा ना खाएं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।